अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू रेसिपी मटर पनीर की। आप लोग इसे देखिए, इसे बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरे गुलाबों के रेसिपी में कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है, तो आप लोगों को वो हिडन स्पाइसेस ज़रूर पता चलेंगे जो मेरे गुलाबों डालती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने सारा सामान लिया है, टमाटर दो हैं, हरा धनिया है, एक प्याज है छोटी सी, हरी मिर्चें हैं, 250 ग्राम हमने ये पनीर लिया है, मटर है जो हम पहले ही उबाल के रख चुके हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, अदरक लहसुन, ज़ीरा, काली मिर्च। अब हम 4 चम्मच तेल डाल रहे हैं, चूल्हा हम जला चुके हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, पहले से ही गरम कर रखा था मैंने इसलिए बर्तन अपना, और अब हम इसमें पनीर को तलेंगे। देखिए हमारा पनीर तल चुका है, गुलाबी हो चुका है, ब्राउन ब्राउन, और इसको हम अब निकाल लेंगे। ज़ीरा और काली मिर्च हमने डाल दिया उसी तेल में जो जिसमें हमने पनीर तला था, उसी तेल में हमने डाला है ज़ीरा और काली मिर्च। इसमें हम प्याज डालेंगे, एक प्याज जो काट के रखी थी बारीक उसे तल लेंगे। इसको हम ब्राउन करेंगे। चलाते रहना है, कहीं से तेज़ हल्की हो जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। देखिए ब्राउन हो चुके, इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे अपना, इसको हम भूनेंगे अदरक लहसुन को हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं रखनी है। इसमें टमाटर डाल देंगे हम, हरी मिर्चें, और इसको भी हम गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको हम ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये टमाटर हमारे गल चुके हैं, मसाला भी ये भुन गया है, इसको अच्छी तरीके से चलाएं, बिल्कुल मसाला मिक्स हो जाए। अब इसमें हम अपने हल्दी, मिर्च, नमक डाल देंगे, इसकी अब हम बुनाई करने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। जितना आपका मसाला हो उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए और इसे कवर कर दीजिए और सिम आँच पे छोड़ दीजिए गलने के लिए। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, और जितना हमारा टमाटर उसको भी हम अच्छी तरीके से घुटाई के तरीके से चलाएंगे जिससे हमारे टमाटर घुल जाए अच्छी तरह। अपना मटर जो उबाल के रखे हुए थे वो हम डाल देंगे। मटर सख्त आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सख्त मटर होते हैं और मसाले में गल नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा गला लें आप पहले ही तो सही रहता है। वैसे हम 2 चम्मच पानी डाल दिया है, फिर हम इसको कवर कर देंगे और मटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए
मटर भी गल गए हैं, हमारा ग्रेवी बिल्कुल तैयार है मटर पनीर की। अब हम इसमें अपने पनीर डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको हम। आप बनाइएगा, देखना बहुत अच्छा बनता है इस तरह से। हर चीज़ में सब चीज़ नहीं डलती है कि सब लोग धनिया भी डाल देते हैं पिसा हुआ, ये भी डाल देते हैं वो भी डाल देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इस कवर करके रख दिया हमने, थोड़ी देर 5 मिनट पकेगा। देखिए तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा, आधा चम्मच गरम मसाले की खुशबू यार बहुत अच्छी लगती है, हरा धनिया। और हमारा मटर पनीर तैयार है, बनाइए खाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करें और देखिए कैसा बनता है। मेरा तो बहुत लजीज बना है, बहुत अच्छा बना है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।